नमस्कार दोस्तों, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मांडवी शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि अर्थात नौ देवियों का आगमन, जो नौ दिन रहेंगी आप लोगों के घर पे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जब भी नवरात्रि आते हैं तो हम सब माता के आगमन की खुशी में उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा से यही कहते हैं कि हे माँ, जब भी आप आना, मतलब जो भी दिन, जितने दिन आप रहना, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति रहे, और आप अगर जाएं भी तब भी हमारे घर में सुख शांति रहे और ये सब बरकरार रहे। तो आइए हम जानते हैं कौन सी है देवी जिनकी करते हैं हम नवरात्रि में पूजा। सबसे पहले देवी का नाम है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री भगवती के पहले स्वरूप के शास्त्रों में शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री माता सती पार्वती का ही रूप है। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को जब यह पता चला तो वह भगवान शंकर के पास पहुंची और यज्ञ में ना जाने की इच्छा जाहिर की। यह सब देखकर उनका हृदय शोक, श्लानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मान, यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। माता सती अपने पति के इस अपमान को यह सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग्या अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजवाद के समय इस रूप को दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गढ़ों को भेजकर विध्वंस करवा दिया। हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इन्होंने फिर अगले जन्म में शैलराज हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। हेमवती भी उनका ही नाम है। जो सच्चे मन और विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं, इससे उन्हें यश, बल और धन की प्राप्ति भी होती है। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट।